हम आए हुए हसियांडा नापोलिस एस्कोबार का वन ऑफ द बिगेस्ट घर बोल सकते हो। 5,000 एकड़ में भाई ये जगह फैला हुआ है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार कोई अलग सा ही शहर में आ चुका हूँ मैं भाई। यहाँ हाथी रखे हुए हैं। यहाँ पे यार हिप्पोपोटामस तक ले आया था ये, एंड हिप्पोपोटामस तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है यार। पाब्लो एस्कोबार दिन के 15 टन ट्रैफिक करता था यूएसए में। ये देखो भाई ऑस्ट्रिच को सिगरेट भी ला रहा है भाई पाब्लो एस्कोबार। तो सारे लोग ऑस्ट्रिच कैसे हैं हमारे ग्रुप में थे, इनको इंग्लिश आती है तो इसके हिसाब से मैं बस इन्हीं ग्रुप के साथ हूँ भाई। ये देख लो भाई यहाँ पे बंगाल से भाई टाइगर ले आए यहाँ पे। स्वागत है गाइस आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग। अभी फिलहाल मैं हूँ यार कुछ अराउंड बोल सकते हो 100 से 120 किलोमीटर दूर मेदजीन से। कुछ अराउंड बोल सकते हो 4 घंटे लग गए हमको बस में आने के लिए। सुबह अराउंड कुछ 4 बजे शुरू किया था हम लोग ने यार, अभी फिलहाल कुछ यार सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी फिलहाल हम आए हुए हैं हसियांडा नापोलिस, जो की एस्कोबार का वन ऑफ द बिगेस्ट घर बोल सकते हो, ऐसा प्लेस जो उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भी था। एंड कुछ अराउंड 5,000 एकड़ में भाई ये जगह फैला हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी हॉलैंड के जो हसियांडा पुलिस है जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार रहा करते थे। एंड ये घर तो मुझे कहीं लग नहीं रहा है। यहाँ पे दूर दूर तक भाई भाई अलग अलग किस्म के जानवर बने हुए हैं, यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं, मतलब भाई अलग ही माहौल है यार यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। लिटरली जू बन गया है, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार कोई अलग सा ही शहर में आ चुका हूँ मैं। ये लिटरली पाब्लो एस्कोबार के थ्रू बनाया गया था ये वाला प्लेस। जैसे एंटर करा हम लोग को अलग अलग किस्म के जानवर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग किस्म के तालाब देखने को मिल रहे हैं, हेलीपैड देखने को मिल रहे हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड इन्होंने लिटरली सारा कुछ प्लेयर सारा अभी पाब्लो एस्कोबार ने बनाया। तो यहाँ पे आपको हाथी देखने को मिल जाता है, ऐसे ऐसे माहौल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे भाई। ये देखो क्या है, क्रोकोडाइल देखने को मिल जाता है, शेर देखने को मिल जाते हैं, केन्या के बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं। ये जितना भी माहौल है सारा देख रहे हो आप लोग, सारा कुछ जिब्रा देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको। तो सारा कुछ पाब्लो एस्कोबार अफ्रीका से लेके आए थे यहाँ पे। एंड अभी फिलहाल इसको रिनोवेट करके ना इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सारे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, अलग अलग किस्म के जानवर देखने के लिए आ रहे हैं। पाब्लो एस्कोबार जहाँ पर भी अपने अपने घर बनाए थे वहाँ पर उसके मरने के बाद सभी चले गए थे, पूरे जितने भी जनता थी कोलंबिया के चली गई थी पैसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने इतने पैसे छुपाए थे जमीन के अंदर, दीवार के अंदर, मतलब हर जगह लोगों ने खोद के मतलब ट्राई कराया कि भाई कहीं से पैसे निकल जाए, क्योंकि इतने पैसे छुपाए उसने, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते यार। उसके पास इतना पैसा था आप बिलीव नहीं करोगे। एक टाइम पर जो चूहे है ना भाई, चूहे खाने लगे थे पैसे, मतलब यहाँ कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है उसने बंदे ने, जमीन के अंदर सोफे के अंदर, ठीक है ना भाई। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद आई थिंक उसको फिर से रिनोवेट किया गया अभी टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिए। वैसे तो पाब्लो एस्कोबार के घर पे आए हम, पर इसके घर पे घूमने के लिए हमको गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, बस में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है सफारी कर रहा हूँ मैं। यार वैसे सोर्सेस के हिसाब से लोग कहते हैं कि 1989 में पाब्लो एस्कोबार की वेल्थ कुछ अराउंड $30 बिलियन की थी, जो कि वो टाइम पे पाब्लो एस्कोबार बोल सकते वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट आदमी। अभी फिलहाल हम भाई इन्हीं के भाई जो घर है घर पे बस भाई टहल रहे हैं। यहाँ पे भाई देख सकते हो एक फार्म बना हुआ है जहाँ पे बकरियां रखी हुई है, एंड वहाँ पे ब्रिज लगाया हुआ है, एंड ये सारे भाई पूरा माहौल है। मुझे तो पहली बार बिलीव नहीं हो सकता हो पा रहा कि ये लिटरली किसी बंदे का घर है यार, मतलब किसी बंदे का एस्टेट है जहाँ पे बंदा आके रहता था। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी चीज भी कोई बंदा बना सकता है। आप वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाथी भी है, देख सकते हो आप लोग। मुझे बता नहीं, मैं जूम करता हूँ, ये देखो भाई यहाँ हाथी रखे हुए हैं। इसके बारे में पता नहीं कितना पैसा खर्च करा है पाब्लो एस्कोबार ने ये वाला प्लेस बनाने के लिए, पर लोग एस्टिमेट करते हैं कि टेंस ऑफ मिलियन डॉलर स्पेंड किया है पाब्लो ने इसको बनाने के लिए। क्योंकि यार पाब्लो का एक ही प्रॉब्लम था कि लोग भरोसा नहीं करते थे कि वो कितना अमीर है। वो चीजें बनाता था, मतलब अलग अलग किस्म के घर बनाएगा, फुटबॉल टीम्स खरीद लेगा, ठीक है ना। वैसे तो उसके बहुत सारे घर थे पाब्लो के, पर ये वन ऑफ द मोस्ट ऐसा जो लोग हैरान हो गए थे देख के कि यार ऐसा भी कुछ कोई बना सकता है। ये देख लो भाई ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यहाँ क्या कर रही है यार भाई, जूम में आ गया क्या मैं, ये देख सकते हो लोग। भाई कितना अजीब है यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ आ गया मैं। तो मतलब जितनी भी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लग्जरी चीजें, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि आप हैरान हो जाओगे, यहाँ पे यार हिप्पोपोटामस तक ले आया था ये, एंड हिप्पोपोटामस तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है यार, साउथ अमेरिका में मिलते ही नहीं है ये, पर सारा अफ्रीका से अलग अलग कॉन्टिनेंट से वो लेके आया था ये वाले पर्सनली अपने घर में रखने के लिए, या फिर अपने गाँव में रखने के लिए, या फिर अपने प्राइवेट शहर में रखने के लिए, जो बोलना है आप समझ सकते हो इस चीज को। यहाँ पे हमारी गाइड कह रही है कि क्योंकि ना ये
बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते ये वाले प्लेयर्स को पैब्लो एस्कोबार के नाम से रिलेट करना। लोग कह रहे थे कि अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप पैब्लो एस्कोबार को ज्यादा वो कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो वैसे करके। इसलिए यहाँ पे जितने टूर गाइड है हमको बस में कहा गया था कि यहाँ पे पैब्लो एस्कोबार का नाम नहीं लेते, पैब्लो एस्कोबार का जगह कोड वर्ड पिकाचू यूज करते हैं। हर जगह जहाँ पर पिकाचू यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कि पैब्लो एस्कोबार को बोल रहे हैं। यहाँ के लोग पसंद नहीं करते कि वो पैब्लो एस्कोबार का नाम ले ये वाले प्लेस से रिलेट करने के लिए। ये देखो पिकाचू बोल रही है, पिकाचू का मतलब पैब्लो एस्कोबार। ये देखो भाई यहाँ पे गधे, यहाँ पे गधे रखे हुए हैं, घोड़े घोड़े हैं, जीब्रा है, समझ नहीं, गधे लग रहे हैं तो मेरे को, खच्चर लग रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं ना सारे भाई ऐसे जू आ रहे हैं यहाँ पे सारे वेकेशन के लिए कि भाई हम जू जा रहे हैं। वो देखो भाई ये तो काफी खतरनाक चीज है यार, देखो हाथी ले आया बंदा यार यहाँ पे, ये देखो हाथी ले आया। एंड जितने फ्रॉम इंडिया, इंडिया यस तो यहाँ पे पीछे यार एक गधे दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे क्या है क्योंकि जेवरा भी है, गधे भी लेके आए थे पहले हमारे पिकाचू साहब, तो एक्चुअली वो मिक्स हो गया था। मिक्स होके यहाँ पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा गधा देखने को मिला मेरे को, जो कि दुनिया में बस यहीं पे देखने को मिलता है, बोल रहे हैं कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलता ऐसा मिक्स। एंड जेवरा का नाम ले लिया यहाँ पे, देख लो जेवरा भाई देखने को मिल गया। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा था पैब्लो एस्कोबार के करियर में, आई थिंक लेट 90s बोल सकते हो आप लोग, तब पैब्लो एस्कोबार दिन के 15 टन भाई ट्रैफिक करता था यूएसए में। आई थिंक उसके भाई ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि $1,000 अराउंड आई थिंक आज के टाइम पे 80,000 रुपए वो दिन के स्पेंड करते थे, जो रबर बैंड है ना नोट को बांधने के लिए उसमें खर्च होते थे $1,000 महीने के, इतने पैसे बनाता था वो। ये तालाब देख रहे हो आप लोग, ये तालाब में भाई तालाब बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई इसको, यहाँ पे भाई हिप्पोपोटामस पालता था भाई पैब्लो एस्कोबार। एंड अभी तो फिलहाल पानी में नहीं है, अभी बाहर लेके आए हैं इनको। एंड ये देख लो भाई हिप्पोपोटामस कोलंबिया में। भाई मैंने तो जिंदगी में कभी इतने क्लोज भाई हिप्पोपोटामस नहीं देखे भाई, मैंने सफारी के टाइम पे देखे थे, पर वो हिप्पोपोटामस बहुत डेंजरस एनिमल होते हैं भाई, इनको ना नॉर्मली दूर से देखते हैं हम सफारी के टाइम पे भी केनिया में, पर यहाँ पे इनको यार यहाँ पे ऐसे रखा है जाले टाइप के जगह पे जहाँ पर यार ये आ नहीं सकते बाहर। ये देखो भाई साहब हिप्पोपोटामस यार गाजर खा रहा है यार। ओ भाई ये देखो ये किसके साथ ये वाला ये पेड़ भी लेके आया क्या ये यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं ये माडागास्कर में जो मैंने देखा था। ओ भाई साहब क्या क्या ले आया यहाँ पे पूरे वाइल्ड लाइफ। अरे ये पेड़ ना भाई ये पेड़ ये अफ्रीका में बहुत देखने को मिलता है, ये साउथ अफ्रीका में मिलता है देखने को, माडागास्कर में देखने को मिलता है आपको, सोकोट्रा आइलैंड यमन में भाई वो वाले रीजन में देखने को मिलता है आपको पेड़, यहाँ पे भी भाई ले आया शायद मुझे लगता है। ये देख लो भाई यहाँ पे ये तो हद ही हो गई यार, मतलब देख सकते हो यहाँ पे टाइगर भी ले आया है, वो टाइगर भी आई थिंक दिखाएगा वो पैंथरा टाइगर, टाइगर दी बंगाला लिखा हुआ है, बंगाला आई थिंक स्पेनिश में लिखा है पर मोस्ट प्रोबेबली यही बता रहे हैं कि बंगाल से भाई टाइगर ले आए हैं। यहाँ पे टाइगर है, टाइगर के लिए अलग सी भाई मतलब मस्त सी फेंसिंग करके रखी है सेफ्टी के लिए। पर यहाँ पे मैंने हमारे गाइड बोल रहे थे कि यहाँ पे भाई आपको रेसिंग ट्रैक भी देखने को मिलता है जहाँ पर पैब्लो एस्कोबार अपने मनोरंजन के लिए काफी सारे मतलब कार रेसर्स को बुलाता था और यहाँ पे रेसिंग करवाता था। पैब्लो एस्कोबार का यही तरीका है, या तो आप पैसों से मान जाओ तो फिर वो गोली से बात करता था, दो ही तरीका है भाई। ये देखो आपको टाइगर दिखा देता हूँ यार, टाइगर भी यहाँ पे, मैं कोलंबिया आके आपको टाइगर दिखा रहा हूँ, आप भी बोलोगे क्या कर रहा है यार विष्णु। टाइगर ये देख लो भाई, टाइगर भाई कितनी जाली लगाई गई है इसके लिए भाई, ये तो जेल है पूरा यार, ये देख सकते हो भाई। इंडिया से आया हूँ मैं, कोलंबिया में आके आपको टाइगर दिखा रहा हूँ। टेलोस्कार के बहुत सारे और भी बंगलोज रहे हैं, एक्सपेंसिव रिसॉर्ट्स रह चुके हैं, आई थिंक कार्तेहिना के पास उसने एक आइलैंड भी पूरा खरीद के रखा था, जो अगेन आप लोगों ने नार्कोस में देखी थी, जहाँ पर वो चिल करता था अपने गुस्तावो के साथ, अपने कजन लोग के साथ, अपने जो क्लोज लोग रहते थे उसके साथ जब वो मीटिंग वगैरह करता था तो वो आइलैंड में जाके करता था। एंड आई थिंक उसके मायामी में भी काफी सारे अपार्टमेंट्स थे ऐसे कहा गया था, पर अगेन उसको फिर बाद में मरने के बाद यूएस गवर्नमेंट के थ्रू आई थिंक सीज कर लिया गया था ऐसा करके। आई थिंक कितनी बड़ी फैमिली थी, पैब्लो एस्कोबार था, उसकी वाइफ थी, उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे, ठीक है, और दो बच्चे थे, एक वाइफ थी, कितने हो गए यार, 7-8 लोग, चलो ठीक है उसके, चलो क्लोज रिलेटिव ले ले 20 लोग, 20 लोगों के लिए 5,000 एकड़ की जमीन, खराब नहीं है यार। एक्चुअली हमारे टूर गाइड को इंग्लिश नहीं आती, एंड मेरे को कहा गया था कि पूरे इसमें ग्रुप में किसी को इंग्लिश नहीं आएगी, तभी मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पे यार नॉर्मली इंग्लिश टूर गाइड वाली टूर मिलना काफी मुश्किल है, एंड यहाँ पे अकेले आना भी काफी महंगा हो जाता है, अलग से प्राइवेट कार वगैरह हायर करना होता है, तो यहाँ पे ग्रुप जा रहे थे तो मैंने सोचा चलते हैं, मतलब देखने मिल जाएगा। आई थिंक मैंने कुछ अराउंड 5,000 रुपए पे करे पूरे दिन के लिए, पूरा दिन का टूर होता है सुबह 4 बजे से शाम के 9 बजे तक। ये देखो यार यहाँ पे जगह पे ले आए, यहाँ पे आम का पेड़ है, यहाँ पे सारे लोग आम चुनने लगे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यार। एंड यहाँ पे और एक सा कोई भाई बोल सकते हो पार्क टाइप जगह भाई, यहाँ पे भाई बोल, यहाँ पे हेलीपैड देख सकते हो भाई, यहाँ पे हेलीपैड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भाई हमारे पिकाचू साहब या फिर पैब्लो एस्कोबार यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवाते थे। एंड यहाँ पे आगे एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर अभी हमको लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक अभी तो पूरा वाटर पार्क बना दिया इन्होंने, पर वो टाइम पे आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ऐसी एंटरटेनमेंट लिए जाता था। मैं समझ नहीं आ रहा यार यहाँ पे वो ट्रैवल करता कैसे था यार इतनी बड़ी जगह पे, ये देखो पीछे क्या लगाया गया है।
तो हमारे गाइड कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेस देख रहे हो आप लोग, ये जो यहाँ पे अभी फिलहाल घास उग चुकी है, ये वाले प्लेस में पाब्लो एस्कोबार का जो प्रिंसिपल घर था, जो मेन घर बोल सकते हो जहाँ पे वो रहता था, वो वाला यहाँ पे ये वाले रीजन में था, प्राइमरी घर बोल सकते हो आप लोग। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही मरते सारे लोग आए थे यहाँ पे पैसे ढूंढने के लिए, पैसे ढूंढने के चक्कर में सारे खोद खोद कर भाई सारा घर ही खत्म कर दिया लोगों ने। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे चीजें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, क्लिनिक सा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड है, यहाँ पे एक अलग सा कातारातस विक्टोरिया स्विमिंग पूल है जिसके बारे में बताऊंगा अभी लेके जाके आपको। एंड यहाँ पे एक जुरासिक पार्क भी बनाया हुआ है। यहाँ पे जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हैरान हो रहा हूँ। अभी तो मैं घूम रहा हूँ तो लग रहा है कि यार शायद पार्क में टहलने आया हूँ या फिर कोई थीम पार्क आया हूँ, बट लिटरली जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार ये एक्चुअली लिटरली किसी का घर हुआ करता था, और वो भी कितने यार 30-40 साल पहले, समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है मतलब हमारे जिंदगी में। यहाँ पे जितने भी दुकान है, दुकान के नाम भी इतने इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या कहता है, मलावी योगर्ट शॉप, आगे एक था सेरेंगेटी कैफे, ठीक है ना। तो नाम वगैरह भी यहाँ पे यार ऐसी है सारे अफ्रीका के कंट्रीज के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार काफी नजदीकी है जहाँ पे उसका घर था, मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे और एक तालाब बना हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे अगेन कुछ कोई घर लग रहा है जो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पर सारा दिखाया गया है कि यार कैसे हुआ करता था पहले माहौल। तो ये भाई गाड़ी चला रहा है, पाब्लो एस्कोबार इसकी गाड़ी ऐसी हुआ करती थी, घोड़े भाई घोड़े में बैठा है ये, आई थिंक प्राइवेट जेट से उतर रहा है। उसका चॉपर जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, चॉपर जो हेलीपैड था वही जगह पे भाई ये लगा हुआ है। एंड ये ऐसा घर भाई जो अगर आप लोगों ने नार्कोस देखी है तो भाई अगेन आप लोगों ने ये वाली प्लेस की आपने देखी होगी सीन। ये भाई एरियल व्यू उसके घर का जो फिलहाल ये घर हुआ करता था, वहीं पे खड़े हम लोग। यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है, इतने भी जानवर लेके आया था यहाँ पे सारे की भाई, यहाँ पे फोटो वगैरह लगे हुए हैं पुराने टाइम के कैसे हुआ करते थे। ये देखो भाई ऑस्ट्रिच को सिगरेट भी ला रहा है भाई पाब्लो एस्कोबार, देखो ऑस्ट्रिच को सिगरेट पिला रहा है। ये देखो यार ज़ेब्रा में बैठा भाई आयाशी, देखो यार बंदे की यार। भाई ये जो आप लोग हरिणा देख रहे हो यहीं पे भाई हमने हमारी वीडियो शुरू करी थी, मैं समझ नहीं पाया अभी, हमारे जो लोकल फ्रेंड्स है वो बता रहे थे। एंड ये इसका एक काइंड ऑफ थिएटर बोल सकते हो जहाँ पर वो परफॉर्मेंस वगैरह करते थे या फिर कोई स्पोर्ट वगैरह हो गया वो यहाँ पे वो परफॉर्म करते थे। यहाँ पे खड़ा है देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे भाई लिखा था जैसे हम एंटर कर रहे हैं कि जितने भी जानवर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सारे जानवर को अलग अलग जगह से लेके आया गया था, ऐसे मैंने दिखाया आपको। एंड सभी को स्मगल करके लाया था, मतलब ऑफिशियल तरीके से नहीं लाया था, स्मगल करके लाया था। एंड यहाँ पे भले ही बहुत सारे एनिमल के जीने की कंडीशंस यहाँ पे सही ना हो, तभी भी बहुत सारे जानवरों को यहाँ पे लेके आया था, बहुत सारे इश्यूज भी हुई थी, वही लिखा है यहाँ पे। एंड बहुत सारे एनिमल्स इसी दौरान मारे भी गए थे क्योंकि यार उनके हैबिटेट के बाहर लेके आ रहे हो, एंड जैसे पहले जिंदगी थी उसके हिसाब से चेंज करके आप यहाँ पे अलग हैबिटेट में रख रहे हो। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत डिस्ट्रॉयड कार भाई जो फिलहाल वो यूज करता था, देख सकते हो आप लोग ये सारे डिस्ट्रॉयड है। तो यार ये है भाई चीज दुनिया के सबसे बड़े, कि आप विश्वास नहीं करोगे, कोलंबिया वो टाइम पे कोई जानता भी नहीं था कोलंबिया को, इतनी छोटी सी कंट्री थी, कोई पूछता भी नहीं था कोलंबिया को। एंड जैसे ही भाई ये इंटरनेशनल शुरू हुई बहुत सारे बड़े बड़े निकले, कार्टल्स निकले, एंड उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बहुत भाई नाम होने लगा कोलंबिया का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल जो हो रहा था यहाँ पे कोलंबिया से। यहाँ पे देख सकते हो सारे एड जहाँ पर मतलब पूरे कोलंबिया में पूरी मतलब एडवर्टीजमेंट छप गई थी क्योंकि इतना ज्यादा वांटेड हो गया था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वांटेड बंदा हो गया था वो टाइम पे। एंड 5-5 मिलियन पेसोस, 1-1 मिलियन पेसोस की भाई मतलब पैसों की भाई एड लग रही थी कि पकड़वा दिया तो इतने पैसे मिलेंगे करके। बताना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल था उसको पकड़ना। एंड जो मैंने आप लोग को इसके पहले के वीडियो में दिखाया है कि यार कैसे वो अपने घर में छुपा था एंड लोगों ने आके पकड़ा जब उसने पहली बार देखा, मैं बता रहा हूँ तो काफी आसान लग रहा है बट वो टाइम पे बहुत ही मुश्किल था इसको पकड़ना। इसीलिए इतनी बड़ी मतलब चीज हो गई थी कि हमने पाब्लो एस्कोबार को पकड़ के मरवा दिया या फिर मार दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे उसकी जो फ्लाइट थी जिसको वो यूज इस्तेमाल करता था जहाँ से वो फ्लाई करता था, यहाँ पे उसका एक काइंड ऑफ मतलब रेप्लिका बनाया गया है, वो सेम एरोप्लेन नहीं है। एंड यहाँ पे म्यूजियम में हर जगह ये लिखा है, ये म्यूजियम बनाने का ये रीजन ये है कि हम फैंटेसाइज कर रहे हैं उसको, अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उसने करा है दुनिया में। हर जगह ये लिखा है कि वो काफी गंदा आदमी था, बहुत ही गंदा आदमी था जिसने बहुत टॉर्चर करे लोगों पे। ये बस म्यूजियम बनाने का यही रीजन है कि बस आप जब यहाँ पे लोग आते हैं तो समझ पाए कि क्या क्या चीजें कहाँ पर कैसे हुई थी। आप बिलीव नहीं करोगे ये जो प्लेस है फिलहाल हसीना नापोलिस, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस था पाब्लो एस्कोबार का। इसके साथ साथ जितने भी उसने लोगों को मारे थे, अपने खुद के लोगों को जिसने जब उसके पैसे चुराने लगे थे लोग, या फिर कुछ भी अगर वो क्राइम करते थे, कुछ गलत करते थे पाब्लो एस्कोबार के रूल्स के खिलाफ करते थे, तो यहीं पे आके सभी को टॉर्चर करते थे पाब्लो एस्कोबार, सभी को मारते थे। यही मारने की वजह से, खुद के लोगों को मारने की वजह से जो लॉस पेपर जो ग्रुप थी वो बनी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। देखो यहाँ पे एक भाई झरना भाई, तो यहाँ पे इसको विक्टोरिया वाटरफॉल कहते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी अगेन देख सकते हो यहाँ पे भाई माहौल
इतना बड़ा है कि भाई यहाँ पे ना लिटरली सभी को मैप दिया गया है, मैप के हिसाब से आपको वॉक करना पड़ रहा है। इतना बड़ा है यहाँ पे, शायद मोस्ट प्रोबेबली पूरा कवर भी नहीं कर पाएंगे हम चल चल के। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सांप रखी हुई है, आई थिंक कौन सी सांप है पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे सांप देख, ओ भाई साहब सांप देखो यार ये, ओहो हो, तो यार अभी मेरे को इंटरेस्टिंग दिखेगा तभी मैं दिखाऊंगा। ये जानवर मैंने दिखा रहा आपको यार अभी। तो यहाँ पे यार ये सारे लोग कोस्टारिका योगा से फ्रॉम कोस्टारिका, तो सारे लोग कोस्टारिका से हैं, हमारे ग्रुप में थे, इनको इंग्लिश आती है तो इसके हिसाब से मैं बस इन्हीं ग्रुप के साथ हूँ। सो गाइस व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस प्लेस, यू गाइस लाइक इट? कैन यू बिलीव दिस इज पाब्लो एस्कोबार हाउस? तो यार क्योंकि जितने भी दूसरे लोग थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो आई थिंक कोस्टारिका में इंग्लिश बोलते हैं ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं मेरे को, कोस्टारिका मेक्सिको वगैरह में थोड़ा कहते हैं, तो यार कोस्टारिकन थे थोड़े बहुत और इनको इंग्लिश आती थी, तो यही अभी ट्रांसलेट कर रहे हैं सारा कुछ मेरे को।